नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटीआई टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों आज हमारे सामने एक इन्वर्टर आया हुआ है, ल्यूमिनस का है, जो 1075 का है, स्मार्ट प्लस का है यह। इसको हम सप्लाई के साथ यहाँ 12 वोल्ट के साथ जोड़ दिए हैं। यहाँ आइसोलेटर हम उठा दे रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से डेड है। अब दोस्तों इसको खोला जाए, देखा जाए क्या होने लायक इसमें क्या परेशानी है। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, तब आगे देखते हैं, बने रहिएगा। तो दोस्तों तो आपके सामने हम इसको ओपन कर चुके हैं। डस्ट तो देख ही सकते हैं पूरा भरा हुआ है और इसमें मेजर प्रॉब्लम कैपेसिटर गया। और इसमें और क्या हो सकता है इसको पूरा बताएंगे। बहुत इसको भी डेड है लेकिन इसको इजी है रिपेयर करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आसानी से रिपेयर हो जाएगा और बने रहिए। तो दोस्तों कस्टमर से हमारा बात हो गया, तो एक कस्टमर को बताना ज़रूरी है कि खर्चा क्या आएगा, इसलिए हम वीडियो जो है स्किप करके कस्टमर से बात किए क्या खर्चा आएगा और कस्टमर एग्री हो गया है। सबसे पहले तो इसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, सफाई किया जाएगा, उसके बाद क्या क्या आपको करना है बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से ये निपट जाएगा। और दोस्तों इस तरह के वीडियो लेकर हम आते रहते हैं, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, तो बने रहिए। तो दोस्तों हम सफाई कर लिए हैं और ये हमारा पीसीबी भी क्लीन हो गया है। अब आपको क्या करना है विशेष रूप से, फ्यूज इसका सही होगा, फ्यूज नहीं गड़बड़ होगा आपको हम चेक करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इसका डेड होने का व्यवस्था इको वाट वाला जो होता है, इको वाट वाला ही बोर्ड है, इसके डेड होने की व्यवस्था होती है दूसरे जगह से, इसका फ्यूज नहीं जल्दी जाता है। और इसका फ्यूज हम दिखा रहे हैं आपको, फ्यूज एकदम 100% सही होगा और देखिए फ्यूज बता रहा है एकदम सही है, फ्यूज कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें करना क्या है, ये दो कैपेसिटर इसको चेंज कर दीजिए और लगे हाथ यहाँ एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, चेक करेंगे तो ये भी संभवतः सही बताएगा, ज़्यादातर टाइम में सही बताता है चेक करने पे। अभी चेक करके दिखा रहे हैं, नहीं अभी तो इधर कुछ रेजिस्टेंस इसमें दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है इसमें, ओपन बता रहा है सही नहीं है। तो इस रजिस्टर को बदलना है, ये कैपेसिटर बदलना है, उसके बाद क्या होगा कैसे होगा बताएंगे, बने रहिए। दोस्तों कैपेसिटर लगा लिए हैं, यहाँ रजिस्टर देखिए हमने ऊपर से ही लगा दिया है, ये वाला इसी के ऊपर मैं इसको कंप्लीट कर दिया है। और आपके पास एक 12 वोल्ट का अडेप्टर हो तो सबसे बेस्ट है, नुकसान होने से बचता है। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव लगा लिए हैं, पॉजिटिव इसके साथ जुड़ रहे हैं, आप देखें रिले ऑन हुआ, यहाँ पे फिर देखिए तो ये ऑन हो गया है। अब इसको सेट के साथ सेट की फिट किया जाएगा, तब पता चलेगा आगे क्या कहानी है इसका, ओके हो गया या कुछ और करना बाकी है, बने रहिए। तो दोस्तों अब इसको सेट कर लिए हैं, देख सकते हैं और यहाँ कंप्लीट है, आइसोलेटर उठाएं, यहाँ बीप की आवाज़ सुने होंगे, देखिए फैन भी बंद हुआ, यहाँ से हम चालू कर रहे हैं, देखिए हमारा पोजीशन आ गया और यहाँ लोड देखिए 300 वाट का लोड दे दिए हैं, ये लोड बंद कर दिए और यहाँ पे मेंस के लिए मेंस आया, जोड़ लिया, चार्जिंग यहाँ देखिए 20 एम्पियर भी दिखा रहे हैं, बग गया चार्जिंग, फिर चालू किए, जोड़ लिया, चार्जिंग आ गया। तो दोस्तों आप देखते हैं कितनी आसानी तरीके से सॉल्व हो गया हमारा प्रॉब्लम। अगर आपको थोड़ा सा गाइड व्यवस्था हो तो बहुत जल्द ही आप ऐसे परेशानी को दूर कर सकते हैं। और फिर अगले वीडियो के लिए मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।